Hey guys, my name is Lokesh. Welcome back to my channel. Let's study together. Today I will teach you English. आज मैं आपको English पढ़ाऊँगा. In this video, we will discuss about preposition. That is, at, on, in, and last one is by. So let's start. Point number one. In case of transportation, transportation से आप मतलब समझ ही गए होंगे. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि ट्रेन, बस, प्लेन और बोट. ये सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है. अगर इन सब में एक से ज़्यादा पर्सन बैठा है, इन सब में यूजुअली एक से ज़्यादा पर्सन ही बैठते हैं, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे. और एक रीज़न ये भी है कि हम इन सभी चीज़ों को परचेज नहीं करता है नॉर्मल पर्सन. रेयरली केस में कुछ लोगों के पास है, वो इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे. लेट्स टेक ए सम एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पैसेंजर्स आर ऑन द प्लेन ट्रेन. वी नीड टू गेट ऑन दिस बस ट्रेन. लेट्स अनदर इन. इनके अंदर इनका यूज हम कहाँ करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? कार, टैक्सी, बोट. अब कार, टैक्सी और बोट एक ऐसी चीज है, हम इसको परचेज कर सकते हैं. कार आम जनरली पर्सन के पास होती है. टैक्सी की बात करें तो टैक्सी को हम जब तक हायर करके रखते हैं, जब वो उसे पेमेंट करते हैं, तब तक वो टैक्सी हमारी होती है. एंड बोट की बात करें तो मैंने बोट यहाँ भी बताया था और वहाँ भी बताया था. इसका रीज़न ये है कि अगर आप छोटे नाविक हैं तो आपके पास बोट होगी, वो सिर्फ आपकी खुद की होगी, ना कि आपकी बोट है जिसमें 20-50 लोग बैठे हैं. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑन इन. I am already in the car. She got in the taxi. Let's take other. By. By का यूज कहाँ करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन में? Someone asked you, how did you get here? Then you told that person by car, by plane, by train or by boat. तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? बाय कार पहुँचे, बाय प्लेन पहुँचे, बाय ट्रेन पहुँचे या फिर बाय बोट पहुँचे? जो ये जो तरीका है, यहाँ से हम बाय का यूज़ करते हैं. तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑन बाय. वी कैन ट्रेवल बाय कार. टॉम कैम बाय प्लेन. एट के केस में नो केस इन ट्रांसपोर्टेशन, कोई केस नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एट का यूज नहीं होता है. सेकंड केस लेते हैं हम इन केस ऑफ लोकेशन. टीवी, टीवी ऑन द टेबल. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि टीवी है जो टेबल के ऊपर है, इसके लिए ऑन का यूज किया जाएगा ऑलवेज. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर ना देकर सीधा स्ट्रीट का नाम दे रहा है तो आई लिव ऑन पार्क एवेन्यू स्ट्रीट, तो वहां पे ऑन का यूज होगा. एंड सेम एज आप किसी को कह रहे हैं कि आई लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. मैं इस बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर रहता हूं. अब बात करते हैं हम इनकी. इनका यूज होता है जैसा कि आपको यहां पे एक डॉट दिख रही है, उसमें फाइल्स रख रखी है, तो वो उसके अंदर है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है इन. फाइल्स इन द डॉर. सेम है जैसे ही एक बिल्डिंग है, इसमें खूब सारे अपार्टमेंट है, तो अब अपार्टमेंट के लिए आई एम लिविंग दिस बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट नंबर दिस इन एन अपार्टमेंट आया यहाँ पे. सेम एज अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप बोलेंगे लिव इन इंडिया, लिव इन यूएसए एक्सेट्रा. एट के लिए हम बात करें यहाँ पे
तो एट का यूज वहाँ होगा जहाँ पे अगर आप कोई नंबर के साथ एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है, आई एम लिविंग ऑन दिस रोड दिस 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 लाइक एट 9 दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे एट लगाया जाएगा. सेम एज माई फ्रेंड्स मीट एट माई होम, यानी कि वो मेरे घर पर आया, एट स्पेसिफाई लोकेशन दे दिए हमने उसे. ठीक है, बाय का यूज अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक हाउस दे रखा है और उसके सामने से एक रोड जा रही है. ठीक है, और मेरा घर कहाँ पर है, मेरा घर लोटस टेम्पल के पास में है, तो मैं बोलूँगा माई हाउस इज नियर बाय लोटस टेम्पल. थर्ड वाइज इन केस ऑफ टाइम, टाइम के केस में हम फर्स्ट लेते हैं एट. एट का यूज हम जहां पर स्पेसिफाइड टाइम बताया गया हो वहां करेंगे, लाइक 3 AM PM, तो ये फिक्स टाइम है. ऑन का यूज ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, कोई डे स्पेसिफाई कर रखा हो आपको, लाइक ऑन क्रिसमस, ऑन इंडिपेंडेंस डे, वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे. सेम एज ऐसे ही अगर हम इनकी बात करें, इनका यूज हम करते हैं लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए, समथिंग हैपन इन लाइक इन पास्ट इन अप्रैल, बर्न इन 1993 1990, लाइक एज वहां पर हम इनका यूज करेंगे. सेम एज हम लेते हैं बाय, बाय का यूज हम कहाँ करते हैं, बाय का यूज हम करें टाइम के केस में, तो टाइम के केस में हमें इस यहाँ पर एंड यानी कि फाइनल टाइम दे दिया कि हमें इस काम को इस तक कर देंगे, तो वहां पर हम बाय का यूज करेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल, जेरी विल हैव रीच USA बाय ट्यूजडे, यानी कि वो ट्यूजडे तक पहुंच जाएगा, फाइनल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like it, then do subscribe and give thumbs up to my channel. Take care till then. Bye-bye.